नमस्कार साथियों आज एक अत्यंत गंभीर और देश की अस्मिता से जुड़े मामले को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व ए के लिए सीधे सीधे गृहमंत्री श्री अमित शाह जुम्मेवार हैं इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए यदि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि श्री अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिली भगत है आज दोस्तों आजादी के तिहत्तर सालों में यह पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है और अब स्थिति और अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है दिल्ली में उपद्रव को रोकने में पूरी तरह नाकाम हुए गृहमंत्री श्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर उपद्रवियों के साथ भाजपा सरकार के गठजोड़ मिली भगत और साजिश को साबित करती है बीते तिरसठ दिनों से लाखों अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पर तीन खेती विरोधी काले कानून वापिस लेने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं मोदी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हड़ कपकपाती सर्दी में ठंडे पानी से वाटर कैनन चलाई उनके रास्ते खोद दिए गए पत्थर डाल दिए गए ड्रेन्स खोद दी गई क्रेन्स लगाकर और बरबर -बर चार्ज हुआ मगर उन्होंने उफ नहीं किया और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करते रहे मर मगर मोदी सरकार जब उन्हें बलपूर्वक नहीं हटा पाई दोस्तों तो उन्हें छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी मैं फिर दोहराता हूं मोदी सरकार जब देश के लाखों किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई तो छलपूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति जब लाठियां, डंडे बरस रहे थे तो पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति फिर मीटिंग पर मीटिंग पर मीटिंग कर थका दो और भगा दो की नीति फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति और अब अंतिम छल है अराजकता का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति यह है मोदी सरकार का असली षड्यंत्रकारी चेहरा मैं फिर दोहराता हूं पहले पड़ताड़ित करो और परास्त करो फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति साथियों मैं आपके समक्ष छह सात बिंदु रखना चाहता हूं देश के समक्ष सवाल यह है कि जो किसान तिरसठ दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वह बिफर गए दूसरा बिंदु अगर सरकार दस वो दौर की बातचीत करने का ड्रामा करे किसानों की समस्याओं के समाधान की बजाय व्यवधान करे और किसान आंदोलन को बदनाम करने पर जोर रखे तो सरकार की साजिश क्या साफ नहीं तीसरा बिंदु सीधा सा सवाल यह है कि तीस चालीस पचास ट्रैक्टर लेकर उपद्रवी लाल किले में कैसे घुस गए चौथा बिंदु यह किसकी असफलता है अमित शाह जी इसका जिम्मेवार कौन है पांचवां बिंदु लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है कांग्रेस के लाखों रण बांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी अगला बिंदु चाहे परिस्थिति कोई भी हो मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारी जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है वहां तक पहुंचा कैसे लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा कैसे लगा सकता है क्या यह साफ नहीं दिखा कि पुलिस कुर्सियों पर बैठकर तमाशा देख रही थी और टेलीविजन कैमरों का मुंह लाल किले की प्राचीर की तरफ मुड़वा रखा था क्या यह सच्चाई नहीं अगला बिंदु किसानों के मुताबिक कल तक 178 किसान इस आंदोलन में दम तोड़ गए किसानों को हिंसा ही करनी होती तो लाखों किसान तिरसठ दिन से हाड़ कंपकपाती सर्दी में दिल्ली की सीमा पर शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह कर न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं यह तो पहले दिन हो सकता था अगला बिंदु कल से सारे न्यूज चैनलों ने किसान नेताओं और दूसरे लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे पर क्या किसी ने गृहमंत्री अमित शाह से इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा मुझे मालूम है सर आपने कहा मैं मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं अगला बिंदु क्या हिंसा का वातावरण बना यह सब किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिश नहीं क्या यह दिल्ली दंगों शाहीन बाग सी ए विरोधी प्रदर्शनकारियों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों वाले प्रकरण की पुनर्वृत्ति नहीं अगला बिंदु क्या मोदी सरकार श्री अमित शाह और प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं किसान आंदोलन में अगर कोई हिंसक तत्व षडयंत्री मंसूबे से घुस गए थे और वो उसके बारे में 24 घंटे से कह रहे थे तो गुप्तचर एजेंसियों से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है क्या इसके लिए गृहमंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं और आखिरी बिंदु दोस्तों कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ इसी में सारे जवाब छुपे किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही थी तो सरकार प्रायोजित भड़काऊ बयानों वीडियो संदेशों आदि से उत्तेजित होने की बजाय देश इन बिंदुओं का जवाब मोदी जी और अमित शाह जी से मांगता है कल जो हुआ मैं अब यह बहुत जुम्मेवारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कह रहा हूं कल जो हुआ वह पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है पर यह योजना किसानों की नहीं बल्कि आंदोलन को बदनाम करने की योजना और साजिश है जिसे सीधे सीधे मोदी सरकार का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है सच्चाई यही है देशवासियों किसान और मजदूर और गरीब न तो हिंसा चाहता और न ही तोड़फोड़ किसान मजदूर ने गतिरोध करना चाहता और न रास्ता रोकना चाहता किसान मजदूर तो अन्दाता भी है और देश के जवान का पिता और माता भी है वो देश की खाद्य सुरक्षा भी चाहता है और सीमा की रक्षा भी चाहता है इसलिए हमारी अपील है कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की बजाय समाधान पर जोर दे बगैर देरी के तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को वापिस ले ताकि किसान मजदूर अपने खेत खलिहान में लौटकर देश के लिए सोना पैदा कर देश का पेट पाल सके यही यही राजधर्म है यही राष्ट्र भक्ति है और यही राष्ट्र प्रेम भी है आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है राम माधव जी तो वही व्यक्ति तो हैं जो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे ना उन्होंने कभी हल्का मूठ पकड़ा ना कभी खेती की और ना कभी उन्होंने सार्वजनिक जीवन जीकर कठोर परिश्रम करके कुछ पाया या जाना इसलिए इस प्रकार के अवांछित तत्वों के अवांछित बयानों पर आप ध्यान ना दें यह मेरी आपसे अपील है my dear friend as we have pointed out to you the facts have unfolded over last 24 hours a concerted conspiracy aided and abetted by modi government took place to malign the entire farmers movement a set of a set of people with premeditated motive of violence who have nothing to do with the sanyukt kisan morcha they were permitted to enter the premises the sanctum sanctorum of the red fort the pride of india climb onto its columns and put a flag there this is sacrilege this is unacceptable and those who did it deep sidhu and gang they have been seen in the past cohabiting with prime minister of india and home minister of india shri narendra modi and shri amit shah Ample evidence of which is available in now in public domain. Instead of arresting them there and then, they were permitted to go back. Now the conspiracy has unfolded completely as Delhi police, which was a mute spectator, as 400 or 500 or 600 people entered the Red Fort and occupied its large portions with delhi police taking no action whatsoever delhi police instead of booking those people arresting those people is actually registering false cases against the leaders of the joint sanyukt kisan morcha it's a huge colossal security lapse and intelligence failure on part of none less than the home minister of india shri amit shah shri amit shah must be sacked without delay this is the second time in less than a year that under shri amit shah's leadership delhi has been national capital of delhi has been pushed to the brink of unabated, unchecked, uncontrolled violence, did Shri Amit Shah and intelligence agency not know about the open declaration over last 24 to 48 hours by these violent and anti-social elements, who segregated themselves from the farmers? And expressed their desire that they are going to go up to the red fort. What was Shri Amit Shah doing? Was he sleeping? What were the intelligence agencies doing? Were they sleeping? How can police remain mute spectator as five hundred to seven hundred people occupy the red fort? Can such a home minister, who is the weakest home minister, in the history of India, in last seventy-three years, be permitted to stay in office even for a single day, Shri Amit Shah must be sacked. And if Prime Minister does not sack him, it will be apparent that Prime Minister Shri Narendra Modi is a part of this concerted conspiracy to malign the farmers' movement. And lastly, I will like to say before taking further question. The policy from day one of Modi government and BJP has been very, very clear. For 63 days now, a few lakh farmers have been sitting on Delhi's borders, on, on national capital's borders in a peaceful fashion. Modi government tear gassed them. In brutal cold, Modi government water-cannoned them. Modi government lathi-charged them but they did not lose patience they continued their peaceful satyagraha so modi government adopted fourfold policy the first policy was karo or karo hit them torment them and defeat them when they failed in their lathi charge and and brutal behavior, and then despite 174 odd farmers dying, they went to their policy number two. They held as many as 10 fruitless discussions over a period of 63 days. Meeting, meeting, meeting. Hold meetings and tire them out. Tire them out and push them out. That was the second policy when that policy also failed then they wanted to divide the farmers and finish the movement that was their third policy and their final conspiracy is declare the farmers and farm laborers as anarchist malign them and throw them out Unfortunately, the conspiracy has now unfolded with government protecting those who indulge in arson and violence and lodging FIRs against those who are sitting peacefully on Delhi's borders. And that is the crux of the conspiracy. Thank you. Yes, ma'am. आदरणीय मित्र अगर आप पिछले 48 घंटे की और आपका चैनल वहां होगा गाजीपुर बॉर्डर की आपकी क्लिपिंग्स निकलवाएंगे तो आप पाएंगे कि जब किसान आंदोलन का मंच बंद हो गया था तो उसके बाद रात को एक इसी अवांछित व्यक्ति ने जिसे सरकार के गृहमंत्री का संरक्षण है भाजपा सरकार का संरक्षण है उन्होंने वो मन चलाया और एक अलग से कॉल दी कि वो वो सारे बैरियर तोड़कर जाएंगे सवाल यह है अगर कोई एवांचित तत्व जो हिंसा करना चाहता है बहरूपये की शकल बनाकर किसान आंदोलन के अंदर शामिल हो गया तो सरकार क्या कर रही थी गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी गृह मंत्रालय क्या कर रहा था आईबी और सीआईडी क्या कर रही थी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी वो क्या केवल किसानों को नोटिस देने पे ही लगी थी क्या गृहमंत्री सोए पड़े थे आपने पूरा इंतजाम क्यों नहीं किया और क्या कोई बता सकता है कि तिहत्तर साल के इस देश के इतिहास में 500 या 700 लोग 40-50 ट्रैक्टर लेकर अवांछित तरीके से पूरे लाल किले के, के परिसर में कैसे घुस सकते हैं लाल किले के, के दरवाजे उनके लिए किसने खोले जो दिल्ली दिल्ली पुलिस वहां तैनात थी वो कुर्सियों पर क्यों बैठी हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई उनको वहीं से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया आज तक भी उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया उल्टा शांति प्रिय तरीके से बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर ही मुकदमा क्यों दर्ज क्या इन सवालों का कोई जवाब है और इसलिए अगर किसी की जुम्मेवारी है तो देश के गृहमंत्री अमित शाह जी की है जिन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए धन्यवाद यस yes. आदरणीय मित्र मैं आपको महाभारत में अर्जुन जी की बात याद दिलाऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कही क्योंकि मैं कैथल कपिस्थल कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मछली की आंख पर निशाना रख कोई भटकाए तो भटक मत किसानों को भी तीन काले कानून खत्म करने पर ही अपना निशाना रखना होगा जो वो रखे हैं शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह के तरीके से क्योंकि अहिंसा और सत्याग्रह यही किसान की सबसे बड़ी ताकत है और लक्ष्य केवल एक है मोदी सरकार तीन काले कानून खत्म करे वो भटकाएंगे वो बदनाम करेंगे वो लड़खड़ाएंगे वो गुस्सा करेंगे वो षड्यंत्र करेंगे वो साजिश करेंगे पर किसान को केवल तीन काले कानून खत्म हो इस पर ध्यान देना है मैम कम टू सॉरी आई कम टू यू माजी मैम आई कम टू हिम एंड देन आई कम टू यू मैंने आज किसान संयुक्त मोर्चा का बयान जो अभी शायद जैसे ही पत्रकार वार्ता शुरू हुई शायद आप नहीं देख पाए होंगे वो देखा अभी तक उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की पहले से ऐसी एक घोषणा थी आज के हालात में अब वो क्या करेंगे मुझे लगता है कि हमें कल तक उनके निर्णय का इंतजार करना चाहिए एक बार वो निर्णय कर लें कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल क्या, क्या क्या करेंगे किस प्रकार से समर्थन करेंगे या नहीं मैं उस पर आपको अवश्य उत्तर दूंगा May I point out to you two incidents? And before that, I'd like to first add two lines. A concerted conspiracy is, be, is unfolding to malign the farmers' movement and to push them out and bury the demand for repeal of the three anti agriculture black laws under the din and noise of firs and the maligning game that is unfolding both through selective media as also through bjp supporters if you saw two incidents one incident was on the border where police was lathi charging and tear gassing farmers that was one incident because they were trying to control law and order i'm sure lots of farmers and i saw those tractors the way mercilessly and like animals people were being beaten up police duty to to implement the law i give it to them the other scene we saw was on red fort where a select group of violent mob led by a particular BJP supporter leader seen in the company of Home Minister Amit Shah and Narendra Modi in the past, were given a free run. Police was sitting and they were permitted to enter the premises of Red Fort. Gates of Red Fort were opened for them. They were permitted to occupy portions of our Red Fort. They were permitted to even put a flag. And the police took no action. They were, they were permitted to go scot free. Till today, even a single FIR has not been lodged against Deep Siddhu or others. People responsible for, for, for that violent incident. Why this double standard? The reason is only one a concerted conspiracy is being done to malign the movement of farmers against the three black laws. And to bury them in the din and noise of FIRs and the maligning game, noise of which is being unfolding through BJP quarters. Thank you.